हाय एवरीवन, आई एम छवि, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको जो अभी रीसेंट अपडेट आई है ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिगार्डिंग जेई या नीट एग्जाम्स, उसके बारे में बताऊंगी। अभी आपके माइंड में जो है बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही होगी कि पता नहीं एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। आप तो चाहते हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, बट अगर चलो कैंसिल नहीं भी होते तो स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि कम से कम पोस्टपोन तो हो जाए एग्जाम्स। तो फिर अभी जो है आज जो है 12:30 बजे जो है अभी डायरेक्शंस आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब उन्होंने यही बोला है कि जो आपके जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन नहीं होंगे, वो डिसमिस हो चुकी है आपकी प्ली, और वो जो एग्जाम्स हैं वो जो सितंबर में कंडक्ट होने वाले थे वो पोस्टपोन नहीं करे हैं, वो कंडक्ट किए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो अगर आपने अगर एग्जाम अगर नहीं भी लेंगे या फिर पोस्टपोन भी कर देंगे तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बहुत ही एकेडमिक लॉस होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं वो जो अफेक्ट करेगी स्टूडेंट्स को, उनका साल भी वेस्ट होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि उनके जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करे जाएंगे। एक चीज और भी बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो रिक्वेस्ट डाल रहे थे कि जो फिजिकल हियरिंग है कोर्ट की वो जो है स्टार्ट की जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप एक तरफ तो ये चीज बोल रहे हो, दूसरी तरफ हम एग्जाम्स क्यों ना कंडक्ट कराया जाए, बिकॉज हम सबको पता है कि अभी COVID-19 की क्या सिचुएशन है। सो दैट्स वाई हम जो है पूरी प्रिकॉशन जब हम और चीजों में ले सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि फिजिकल हियरिंग कराई जाए कोर्ट्स की, हम उसमें कह रहे हैं कि हम प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे, प्रॉपर केयर रखेंगे, तो हम एग्जाम में प्रॉपर केयर क्यों नहीं रख सकते। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। सो एट द एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आप अब इस टाइम पे मैं जो अपनी एडवाइस दूंगी वो यही दूंगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। सो ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।